नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। 3 सालों के लंबे अरसे के बाद एक बार फिर से शरद यादव राजधानी पटना पहुंचे हैं। दिल्ली से पटना पहुंचे तो वहां पर कार्यकर्ताओं का हुजूम भी दिखा। सवाल पूछे गए कि 3 सालों बाद आप पटना पहुंचे हैं, कैसा लग रहा है, क्यों आए हैं, क्या आगे की सोच है, इस पर उन्होंने क्या कुछ जवाब दिया, पहले आप वो सुनिए। बिहार की धरती पर आए, कैसा लग रहा है? 3 साल कार्यकर्ताओं से मिलने आया हूँ और यहाँ कार्यकर्ताओं का बहुत आग्रह था, एक बार मुझे यहाँ आना चाहिए, इसलिए आज यहाँ आया हूँ। आज सभी कार्यकर्ता जो है उनका आग्रह प्रेम मोहब्बत मुझे लेके आया है। बाकी सब चीजें होटल में करेंगे। नीतीश कुमार के लंबे अरसे तक साथी रहे शरद यादव पहले मध्यपुरा की राजनीति के सहंसा भी कहे जाते थे। लंबे समय तक जेडीयू के टिकट पर वहां के लोकसभा सांसद रहे, लेकिन 2017 में जब नीतीश कुमार ने महागठबंधन का साथ छोड़ा और बीजेपी के साथ गए, उस दौरान नीतीश कुमार और शरद यादव के बीच काफ़ी ज़्यादा खटपट देखने को मिली थी। हालांकि बाद में शरद यादव ने अपनी एक नई पार्टी बनाई, लेकिन उस पार्टी पर कभी चुनाव लड़ने के बजाय 2019 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने मध्यपुरा की सीट पर आरजेडी के टिकट पर ही चुनाव लड़ा, चुनाव हार गए और उसके बाद वो दिल्ली में ही दिखाई दे रहे थे और स्वस्थ थे, लेकिन एक बार फिर वो पटना पहुंचे हैं। बिहार के साथ साथ देश की राजनीति को बदलने में अब बिहार कदम आगे बढ़ा रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कदम दर कदम आगे बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में शरद यादव क्या कुछ इस रणनीति में अपना योगदान दे पाएंगे? उनके बेटे शांतनु यादव भी उनके साथ थे। चर्चा यही है कि अगले लोकसभा चुनाव में शरद यादव अपने बेटे शांतनु यादव को मध्यपुरा की सीट से चुनाव लड़ाना चाहते हैं, क्या मौका मिलेगा? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। अब देखना होगा कि क्या होता है। बिहार की राजनीति में बहुत कुछ बदला है, क्या देश की राजनीति में भी बिहार बदलाव लेकर आ पाएगा? आज लालू प्रसाद यादव से और नीतीश कुमार से भी हो सकता है कि शरद यादव की मुलाकात हो। मुलाकात में क्या कुछ रणनीतियां बनेंगी, इस पर भी काफ़ी ज़्यादा सोच विचार अब हो रहे हैं। बिहार की राजनीति के गलियारों में यही चर्चा है कि विपक्ष की एकता को कितना दमखम ये महागठबंधन दे पाएगी, ये भी देखने वाली बात होगी। आप बने रहिए लाइव बिहार के साथ, तमाम अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।